प्यारे छात्रों, अभी ऐसा लगा कि हमने गोविंद गिरी को भुला दिया है, ऐसा नहीं। हम क्रम से चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी लोक देवता। लोक देवता में भी कौन? पंचपीर। पंचपीर में तेजाजी महाराज को हमने सुना था, लेकिन तेजाजी की जो है वो पंचपीरों में गिनती नहीं आती, वो भी लोक देवता तो हैं। गोगा जी, बाबू जी, और जो बीते दिन हमने बाबा रामदेव, पंचपीर यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों। और एक मैं रोज कहता आ रहा हूं कि लोक देवता वो नहीं होते जो कोई चमत्कार करते हैं, या वैसे जो रामदेव थे वो तो चमत्कारिक थे, कृष्ण का अवतार थे, लेकिन लोक देवता, रोज कहता हूं लोक देवता वो हैं, इसलिए पूजे जाते हैं कि अपने वचनों के लिए, अपनी धरती के लिए और अपने अबला स्त्री के स्वाभिमान को बचाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वो लोक देवता कहलाते हैं। गोविंद गिरी का जो अभी सर ने बताया, इस पर भी आएंगे हम, ये भी नौवीं में है, दसवीं में है, और इसको हम विस्मृत कर ही नहीं सकते। ये राजस्थान का जलियांवाला कांड कहलाता है, इसमें तकरीबन 3000 के लोग आसपास मारे गए थे, वो भी टॉपिक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम क्रम तोड़ेंगे नहीं। लोक देवता, आज जो लोक देवता है, मेहाजी मांगलिया चौथे नंबर के, हमेशा 2 से 4 प्रश्न आपके तैयार कर दूंगा मैं, बिल्कुल। आप मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है और ये लोक देवता है 1300 से 1500 के ईस्वी के बीच में, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि कब पैदा हुए थे। अब ये गांव भी बहुत कम पूछा जाता है। ये मेहाजी मांगलिया जो है, ये जोधपुर का एक गांव है, तापू, वहां इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे कीतु करनोत और माथी मायड़ थे। और कौन से वंश में पैदा हुए? गुहिल वंश। गुहिल वंश वही वंश है जो मेवाड़ का वंश है। इनकी 3 शाखाएं हुई, सिसोदिया, मांगलिया और बहादुर। बहादुर वंश जो आप नेपाल में देखते हो ना, ये गुहिल वंश की शाखा है, जो विक्रम वीर प्रताप और ज्ञानेंद्र वीर प्रताप जो नेपाल के शासक हुए हैं, ये गुहिल वंश के शासक ही है। अब ये मांगलिया जी जो है, मेहाजी मांगलिया, ये लोक देवता क्यों पूजे जाते हैं, क्या याद रखना है। देखिए, इनके पिताजी का देहांत जब हुआ, तो आजकल तो पिताजी का देहांत होता है तो अपन हरिद्वार चले जाते हैं, कहीं सोरोजी जाते हैं। उस टाइम पे क्या ज्यादा आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे जो राजस्थान के थे वो कहाँ जाते थे? जो हड्डियों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है अपने राजस्थानी भाषा में? फूल। तो फूल चुनने की रस्म, और ऐसे कहते हैं ना फूल चुनने की, फूल एक्चुअल में उनकी अस्थियां होती है। तो ये अस्थियों को लेके और पुष्कर में प्रवाहित पुष्कर सरोवर, जो पवित्र सरोवर की गिनती में आता है, वहां ये मेहाजी लेके गए। और अगर जो अभी नई पीढ़ियों को तो पता नहीं, अगर पुरानी पीढ़ियों को जरूर ये पता है कि जब भी अस्थि कलश या फूल प्रवाहित करने जाते हैं तो एक धर्म बहन साथ में ले जाते हैं, और धर्म बहन नहीं हो तो वही बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब पुष्कर वहां गए ये, तो धर्म बहन इन्होंने बनाया पाना गोजरी को, इसको पाना गोजरी को पुष्कर में। और पाना गोजरी गोजरी से वादा किया कि बहन, जब भी तेरे पास, तेरे ऊपर कोई संकट आए तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। और ये कहके ये अपने और बात आई गई होगी। अब क्या होता है कि पुष्कर की तरफ भयंकर अकाल पड़ता है और पानी की कमी हो जाती है, चारे की कमी हो जाती है। तो ये पाना गुजरी परेशान होती है गायों को बचाने के लिए कि क्या किया जाए। फिर इसको याद आता है, मेरा जो धर्म भाई है मेहाजी मांग लिया, उन्होंने एक बार कहा था कि बहन तू कभी संकट में हो तो मुझे याद कर लेना। अब ये गायें लेके और केतु की तरफ चलती है, गायों को कि मेरे भाई जो है वो मदद करेंगे अवश्य। लेकिन रास्ते में क्या होता है, जैसलमेर का एक शासक है जो दूरा भाटी कहते हैं, जो इतिहास में दुर्जन भाटी भी है, ये वही दुर्जन भाटी है जो अलाउद्दीन से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, और अलाउद्दीन इनकी गर्दन और इनके साथ वीर लोगों की गर्दन करके काट के दिल्ली ले गया था। ये वही दुर्जन भाटी है।
अब इस दुर्जन वाटी के बारे में अगर आपको बतानी हो तो इस दुर्जन वाटी का जब गर्दन काट के इसके साथ वाले की गर्दन काट के अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली ले गया तो इसकी पत्नी ने इच्छा की कि मैं सती होना चाहती हूं और मेरे पति की जो है वो जो गर्दन ले गया उसको वापस लाके उसके साथ सती होना चाहती हूं। तो एक कवि थे हुपा सांगू, उनको कहा कि आप एक ये काम कर सको, गर्दन ला सको, उनका सर ला सको, उनका मस्तक ला सको तो मैं आपके प्रति जो है वो कृतज्ञ रहूंगी। उपास जो है वो माहिर था डिंगल भाषा का कवि, और ये वो गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और वहां पर उसने कविता पाठ किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा वाह क्या उपा साधु, तू तो बहुत जबरदस्त है, मांग क्या मांगता है। तो उसने कहा कि मुझे दुर्जन भाटी की वो कटी हुई गर्दन चाहिए। अलाउद्दीन के अरे तो मैं तो इतना प्रसन्न था, तू मांगता तो मैं तेरे को आधा राज देता, तू क्या मांग रहा है, जा ले ले, मेरे को तो पता नहीं इतनी सारी ढेर गर्दनों में से कौन सी मस्तक है उसे, कौन सा सर है उसका, दुर्जन भाटी का ढूंढ ले। इतने सारे मस्तक में से ढूंढना कठिन काम था। फिर वहां उसने अपना काव्य पाठ किया, काव्य पाठ किया तो काव्य पाठ में से वो मस्तक जो दुर्जन भाटी का था वो बोला वाह वाह क्या बात है, अगर मेरे भी हाथ होते तो मैं तुझे गले लगा लेता। वो दुर्जन भाटी का सर लेके वो वापस लेके आया था, ये वही दुर्जन भाटी था। तो अभी बात वहां चल रही थी कि पाना गुजरी की जो गायें हैं वो कहां पर दुर्जन भाटी ने छीन ली, और जब भाई को पता चला मां संग्राम हुआ गायों को छुड़ाने के लिए, मियाजी मांग लिया और दुर्जन भाटी के। और इसी में चूंकि वो बड़ा उसके पास सेना थी दुर्जन भाटी के पास, तो ये मियाजी मांग लिया अपनी बहन के दिए हुए वचनों को निभाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। और वीर गति जहां प्राप्त हुई, बापिनी है ये भी जोधपुर में ही है, वहां इनका विशाल मंदिर बना हुआ है और घोड़ी की पूजा होती है। इनकी घोड़ी थी चितकाबरी को, अपन राजस्थान में बोलते किरत, चितकाबरी घोड़ी थी। अब देखिए इनके जो पुजारी होते हैं वो वही राजपूत वंश के होते हैं और उनको बोला जाता है भोपा। भोपा तो तुम यहां भी सुनते हो लेकिन अर्थ याद नहीं है। भोपा का मतलब है उस देवता का जिसमें भाव आता हो उसको कहा जाता है भोपा। भोपा कोई जाति विशेष नहीं होती है, अपने यहां तो गुजरों के, गुजरों के समकक्ष उनको भोपा जी कह देते हैं। भोपा जी जाति विशेष नहीं है, जिसके भाव आते हैं जिस देवता के वो भोपा जी कहलाते हैं वहां पर। और एक आश्चर्य की बात आपको हो रही, ये जो पुजारी होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, इनके संतान नहीं होती है ये। तो ये बेचारे जो पुजारी होते हैं फिर किसी बच्चे को गोद लेके और इनका वंश चलता है ये आज भी। तो ये घोड़े की पूजा होती है इनके, और इनका मुख्य मंदिर है बापिनी में। कहाँ है? बापिनी में। तो ये मेहाजी मांगलिया के बारे में कौन, कभी कभी पूछते हैं कौन से वंश में पैदा हुए थे, गुहिल वंश में। कहां पर मंदिर है? बापिनी में। विशेषता इनके बारे में कम ही पूछा जाता है जो चौथे, क्योंकि इनसे तीन जो लोक देवता वो ज्यादा चर्चित हैं तो दो तीन प्रश्न उसमें से मार देता है। लेकिन कभी कभी उस एग्जामिनर को सुपर स्पेशलिस्ट बच्चे की खोज होती है तो वो फिर इनमें से पूछता है, बहुत आसान भी है ये। अब देखो तुम अभी संख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये कैमरे लगने की वजह से बहुत कम संख्या हो गई है। कल मेरे पास ये भी आया था, मैंने कम क्यों आ रहे हो तुम, कैमरे लग गए, बंद कर दो भाई साहब बहुत है।